हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेमार में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज वीवो के पांच फीचर पांच सेटिंग के बारे में दोस्तों बताऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा, दोस्तों आप अपने फोन को यदि मतलब आपका जो है टच स्क्रीन काम करना बंद कर दिया है अचानक, तो आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपका स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका रिस्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ऐसे में आप अपने फोन को रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना है। यदि आपने अपना जो है वीवो का फोल्डर चेंज किया है तो ऐसा अचानक प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका चलते चलते अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, या अचानक आपका मतलब टच काम करना बंद कर दिया है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है दोस्तों, जब तक आपका फोन जो है स्विच ऑफ ना हो जाए। दोस्तों तो आपको रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए दोस्तों अपने फोन को जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है दोस्तों, जब तक आपका फोन जो है रिबूट ना हो जाए। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, हमने वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखा तो ये हमारा फोन जो है रिबूट हो गया, रिस्टार्ट हो गया। दोस्तों तो यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है दोस्तों, चलते चलते आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, आपका टच कहीं पर टूटा वूटा नहीं है, तो आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल एक बार जरूर कीजिए दोस्तों, अपने फोन में जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अचानक यदि आपका टच काम करना बंद कर दिया है तो इस ट्रिक से आपका जो है हो सकता है कि जो है आपका टच काम करना बंद शुरू हो जाए। दोस्तों तो ऐसा करके आप जरूर एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है तो इस ट्रिक का इस्तेमाल एक बार जरूर कर लीजिए दोस्तों। अधिकतर ऐसा प्रॉब्लम उस फोन में आता है जिस फोन का जो है दोस्तों फोल्डर चेंज किया हुआ है, उसमें फोन में ऐसा अधिकतर प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो आपको जो है एक बार अपने फोन को रिबूट और रिस्टार्ट करके जरूर देख लेना है, और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को लगभग 10 से 15 सेकंड तक एक साथ प्रेस करके रखोगे तो आपका फोन जो है रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा जो है टच काम करना बंद कर दिया है, शुरू हो गया है दोस्तों, आपका जो है देखिए पूरी तरीके से टच का जो है हमारा काम करने लगा है दोस्तों। अब चलिए आपको मैं इसमें दूसरा सेटिंग के बारे में बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट अपने फोन में आप कैसे लोगे दोस्तों, यदि आपको किसी फाइल का जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जो है स्क्रीनशॉट कैसे लोगे दोस्तों। तो बहुत से फोन में दोस्तों ऐसा होता है कि आप जो है तीन फिंगर से ऊपर से जो है नीचे की तरफ आप जो है स्विप करोगे तो जो है आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें मतलब ऐसा फ्यूचर नहीं है दोस्तों, किसी किसी फोन में ऐसा फ्यूचर रहता है कि जो है आप जो है तीन फिंगर से ऊपर से नीचे की तरफ जो है स्विप करोगे तो जो है आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और इसमें जो है वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को लगभग एक साथ आप प्रेस करोगे तीन सेकंड तो आपका जो है स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को आप जो है तीन से चार सेकंड तक प्रेस करोगे तो जो है आपका स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट हमारा हो गया है। चलिए फिर से करके दिखाता हूँ, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया तो जो है हमारा स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों। ये रहा हमारा जो है दूसरा सेटिंग जो है दोस्तों। आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप जो है अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। अब चलिए, कभी कभी हमारा दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो हमारे मोबाइल में टाइल बैग इनेबल हो जाता है, आप जो है यहाँ पे कहीं भी टच करोगे तो दोस्तों हरे रंग का आइकन बनेगा और आपका जो है टच काम नहीं करेगा दोस्तों। जल्दी आपका जो है टच काम नहीं करेगा, आप जो है हरे रंग का आइकन बनेगा और मोबाइल से बोलने की आवाज आएगी दोस्तों। ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको डबल फिंगर का प्रयोग करके दोस्तों आपको ऊपर नीचे करना है, डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों, और आपको किसी भी चीज को सेलेक्ट करने के लिए मतलब आपको डबल प्रेस करना है दोस्तों। जैसे आप किसी चीज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको डबल प्रेस करना है तभी वो जो है आपका ओके हो गया, और ऊपर नीचे करने के लिए दाएं बाएं करने के लिए आपको जो है डबल फिंगर का प्रयोग करना है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले आप जो है इसको आप स्वीप करके इसका लॉक खोल लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे लॉक जब एक फिंगर से आप खोलोगे तो नहीं खुलेगा दोस्तों, आपका नहीं काम करेगा। यहाँ पे डबल फिंगर का प्रयोग करके इस प्रकार से आप खोल सकते हो। आप जो है लॉक जो भी डाले हो यहाँ पे एक बार क्लिक करके आप जो है यहाँ पे करते रहिए। आप पैटर्न लॉक डालें तो पैटर्न लॉक डाल लीजिए इस प्रकार से, और पिन कोड डालें तो पिन कोड खोल लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आप कहीं भी देखिए क्लिक करें तो आपको जो हरे रंग का आइकन बनना है और मोबाइल से बोलने की आवाज़ आ रही है दोस्तों। ऐसा प्रॉब्लम यदि आपके मोबाइल में हो गया तो घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए, आप जो है यहाँ पे दाएं बाएं करने के लिए ऊपर नीचे करने के लिए आपको जो है डबल फिंगर का प्रयोग करना है। मान लीजिए आप सेटिंग में जाने, सेटिंग पे आप जो है एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, और डबल प्रेस करोगे तो आपको जो है ओके हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ऊपर नीचे करने के लिए आपको जो है डबल फिंगर का प्रयोग करना है। तो चलिए डबल फिंगर का प्रयोग करके हम जो है इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्लिक हो गया है तो यहाँ पे हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे हम डबल प्रेस करेंगे तो हमारा जो है बैक हो जाएगा। चलिए बैक हो जाएगा, डबल फिंगर का प्रयोग करके हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जाना है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे डबल एक बार सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, डबल प्रेस करोगे तो आपको जो है ओके हो जाएगा। यहाँ पे ओके हो गया,
अब यहाँ पे सबसे नीचे वाले एक्सीबिलिटी पर चले जाएंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सेलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो ओके हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको टॉलबैक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए टॉलबैक पे एक बार क्लिक करके जो है डबल प्रेस करेंगे तो हमारा ओके हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूज टॉलबैक यहाँ पे हमारा जो है ऑन है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा ये स्टॉप का ऑप्शन आ गया। स्टॉप पे एक बार क्लिक करके यहाँ पे डबल प्रेस कर देंगे तो हमारा जो है स्टॉप हो गया। इस प्रकार से हम जो है अपने मोबाइल के जो है टॉलबैक जो है डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। बहुत से मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे डबल फिंगर का प्रयोग करना है और जो है ये जो है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए आपको डबल जो है प्रेस करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो अपना जो है टॉलबैक डिसेबल कर सकते हैं दोस्तों। अब आ गए हम दोस्तों तीसरे सेटिंग चौथे सेटिंग के बारे में, अब जो है बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एलसीडी कलर। यदि आपका जो है एलसीडी कलर इस प्रकार से हो जाता है तो इसको ऐसे आप कैसे ठीक करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आपका जो है डिस्प्ले का कलर है आपका बाय चांस सेटिंग में गड़बड़ा जाता है, इस प्रकार से दिक्कत हो जाती है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्टकट एक्सीबिलिटी पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है एक्सपेंसिव पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा और नीचे जाना है। और नीचे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे चलिए और नीचे जाते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा और नीचे जाते हैं, ये यहाँ पे देखिए कलर कलर जो है इन्वर्जन लिखा हुआ है, कलर इन्वर्जन यहाँ पे जो है ऑन है, तो इसको यहाँ से ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ से इसको हम ऑफ कर देंगे दोस्तों। यहाँ से हमारा जो है डिस्प्ले का जो है कलर जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब हमारा जो है एलसीडी कलर जो है ठीक हो गया है दोस्तों। इस प्रकार से हम जो है अपना डिस्प्ले का कलर जो है चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपका कोई दिक्कत हो गया तो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए लास्ट सेटिंग के बारे में बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बैक की के बारे में दोस्तों। यहाँ पे यदि आपका बैक की गायब हो गया है दोस्तों, आप जो है कुछ भी सेटिंग कर रहे हैं तो अचानक यदि आपका यहाँ से बैक की गायब हो गया है, यहाँ पे देखिए बैक की नहीं आ रहा है, तो आपको मोबाइल चलाने में दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे इसको आप कहाँ से ठीक करोगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से इस प्रकार से आप करोगे तो आपको जो है बैक हो जाएगा। लेकिन आप जो है ऐसा यदि चलाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो ये आप जो है बैक की कहाँ से लाओगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखनी है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमें दोस्तों सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे इसके बाद और थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिस्टम नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन की, यहाँ पे जब इस ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा बैक ही आ गया, और नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिए पाई के तरीके से आ गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो है बैक और होने लगेगा, यहाँ पे हमारा बैक ही आ जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगे ये मेरे वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे दोस्तों। और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।